हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 28 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक भी रियल क्वेश्चन पहुँच सके। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और मैं इसमें पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, और जीके साइंस के जो भी क्वेश्चंस मिले हैं एंड में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि लाइक कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था यहाँ पे, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था, एक बच्चे ने भेजा है ऐसे कैसे। तो यहाँ पे बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, प्लस 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 जो लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना था, माइनस को वैसे लिखना था, ये स्लैश का ये है, बस आपका ये चेंज था, बाकी आपकी मिरर इमेज का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके का आएगा तो आप भी बना लेंगे, ठीक है। एक था आपका वोटर इमेज का, ठीक है। वोटर इमेज में आपका था कोई संख्या लिखी हुई थी 9748 और ए जेड, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना था। देखिए मैंने आपको बताया ना कितनी बार बताया, देखिए मान लीजिए ये वोटर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटर है ये, आप मानिए मिरर नीचे रखा है, बस इतना आपको मानना है, जो चीज़ें मिरर के पास में है उसको पास में रखना है। तो 9 का कौन सा पोर्शन पास में है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर मैं 9 को इस तरीके से लिखता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका मिरर के पास में है, तो इधर भी यही वाला पोर्शन मिरर के पास में होना चाहिए। 7 का कौन सा पोर्शन मिरर के पास में, ये वाला, तो इधर भी यही पोर्शन मिरर के पास में होना चाहिए। 4 का कौन सा पोर्शन मिरर के पास में, ये वाला नीचे वाला यानी कि डंडे वाला, तो यही पोर्शन इधर होना चाहिए। तो बस ऐसे चेक करते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एक वेन डायग्राम था आपका भाषा स्पेनिश और यूरोपियन, तो इनमें आपका देखिए दोनों की दोनों भाषा हो जाएगी, यूरोपियन भी और सॉरी स्पेनिश भी और यूरोपियन भी, तो ये इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनना था, ठीक है। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन था आपका। तो आशा करता हूँ कि देखिए वेन डायग्राम हो गया आपका, मिरर और वाटर इमेज होगा, तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके आ भी रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका देखिए कथन निष्कर्ष से कुछ इस तरीके का, एक बच्चे को लड्डू पसंद है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था कि एक बच्चे को लड्डू पसंद है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए थे, बच्चे को मिठाई पसंद नहीं है, तो ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे जो आपका कथन दिया गया है उसमें दिया गया है कि बच्चे को लड्डू पसंद है। अब मिठाई के बारे में कोई बात नहीं की गई है, उसे मिठाई पसंद है या नहीं है, तो ये हम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरे लाइन में क्या, यानी कि दूसरे वाला क्या बोला गया था, कोई मिठाई नहीं है तो इसलिए बच्चे को लड्डू पसंद है, तो ये भी नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे मिठाई का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते, सॉरी दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाते कथन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये देखिए जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा भी, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आए हैं। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ करके मेहनत करके क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे आज एग्जाम दे के आए हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन आए थे क्या, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो बच्चे कमेंट पढ़ के पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यहाँ पे एक था कि पेट्रोल कार और फिर ब्लैंक यानी कि खाली स्थान था, यहाँ पर फिर बल्ब, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल जो चल कार जो चलती है पेट्रोल से चलती है, तो बल्ब आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ये था, एक ओड वन आउट का बिल्कुल यही क्वेश्चन भेजा एक बच्चे ने, मतलब कॉपी पे बना के अपनी एक पेपर पे सेंड किया था, तो इसमें आपको ओड वन आउट निकालना था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे आपका इसमें चार आपके कोने हो गए, ठीक है, यानी कि और इसमें हो गए सॉरी पांच, इसमें चार हो गए और इसमें तीन हो गए, तो घटता हुआ एक क्रम सा दिखाई दे रहा है, बट इसमें यहाँ पे अलग ही भिन्नी मतलब अलग ही नजर आ रहा है, ओड वन आउट ये वाला ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो सकता है बट कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का था। एक क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का कि इस आकृति में से नीचे दी गई आकृति बनाई जा सकती है, तो वैसे डी भी ऑप्शन था, उस बच्चे के याद नहीं था, उसने बताया कि डी मेरे याद नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप क्या देखेंगे इसमें से, देखिए ये तो बन सकती है भाई, ये वाली बन जाएगी, ठीक है, ये वाली भी बन जाएगी। देखिए मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे आपको पता चल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो आप कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे है कि ये आकृति आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, चार ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी आकृति इसमें से बन जाएगी, और उसमें ऑप्शन था कि ए बी, बी सी और सी डी, कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे। तो यहाँ पे बी और सी दोनों बन जाएगी इसमें से आकृति, ए वाली तो ये बन जाएगी, सॉरी बी वाली तो ये वाली हो जाएगी और सी वाली ये वाली हो जाएगी, तो ये बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपका, शहर के स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया और माल व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, तो ये आपका एक कथन था, तो इसमें निष्कर्ष देखिए क्या क्या निकले हुए हैं। तो पहला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाने और उनका रख रखाव करने वाले बारे में सरकार को सभी स्थानीय स्थापनाओं को कड़े दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर हम कथन पढ़ के देखें तो कथन क्या कह रहा है, यहाँ पे शहर के स्थानीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया, मतलब लगी आग में जल गया और माल व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। तो अभी यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो केस हुआ है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक शहर का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया और उसमें बहुत सारे माल और संपत्ति की भी हानि हुई है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जाँच के निर्देश होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला तो बाद का काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सरकार को, यानी कि और ये इससे रिलेट भी नहीं कर रहा है, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाने और उनका रखरखाव करने वाले में सरकार को सभी स्थापनाओं को कड़े दिशा निर्देश देने चाहिए। देखिए एक एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या क्या लिख दिया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिएगा। और दूसरा है आपका, सरकार को सभी बाजारों को शहर के बाहर इलाके में ले जाकर बसा देना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी कथन के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों ही आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक देखें यहाँ पे, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है एक क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्शन से पूछा गया था, और डायरेक्शन का क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि वो आपका, मैं भी पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, तो बिल्कुल डिटो यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तथा बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर होगा यहाँ पे की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अशोक ने पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर चलने के बाद में, फिर यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, मैं आपको एक एक लाइन का बताऊंगा। 4 किलोमीटर जाने के बाद में पूर्व की ओर तथा बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो अशोक का देखिए बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, अगर वो यहाँ पे गया है, ठीक है, तो उसका देखिए लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी। तो ये यहाँ पे वो 3 किलोमीटर गया, अब उससे पूछा गया है कि वो प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो पूछा गया था, क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, बट क्वेश्चन डायरेक्शन का था और उसमें आपका ये वाला, यानी कि अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये आपको निकालना था। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सभी को पता है पाइथागोरस में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा इसके, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 9, ये कितना होगा 25, तो 25 का अगर हम रूट निकाले तो 5 आ जाएगा, यही आपका 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, यानी कि ये वाले डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ठीक है। तो ये मत बोलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब क्वेश्चन तो यही था डायरेक्शन का, जिसमें आपको पाइथागोरस लगानी थी, डिजिट ये नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की, उसके बाद करेंगे फिर जो भी हमें जीके के और क्वेश्चंस मिले हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी 4600, टाइम दे रखा था 5 ईयर का और रेट दे रखा था 4.5, और ऐसा ही पूछा था। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सीधा P(R)T/100 करके आप निकाल सकते हैं। तो 4600 करेंगे हम 4.5 से, और इंटू करेंगे 5 से, अपॉन में करेंगे 100, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 2 0 से 2 0 जाएगी और ये कट जाएगा आपका 5 से 2 टाइम, और 5 से ये कट जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो कितना बचा आपका यहाँ पे, ये 2 से कट जाएगा 46, 23 टाइम, तो 23 × 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1035, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि ए बी एक दिन में 36 यूनिट काम करते हैं। भाई लैंग्वेज बड़ी मुश्किल हो जाता है उसको बनाना, क्योंकि क्वेश्चन तो बता देते हैं बच्चे, बट लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर होगी, तो आप थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। ए बी एक दिन में 36 यूनिट काम करते हैं और 104 दिन में इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बी 1/3 काम करे तो ए, यहाँ पे ए होगा सॉरी, ए ने टोटल
कितना कार्य करेगा, इन्हें टोटल कितना कार्य किया है। तो यहाँ पे देखिए आप, मुझे सबसे पहले तो ए और बी 36 यूनिट करते हैं एक दिन में, टोटल वर्क जो कंप्लीट होता है वो कितना 104 दिन में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। भाई टोटल दिन पता चल गया, 104 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। ए बी एक दिन में 36 यूनिट वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, अगर मैं 36 को 104 से कर दूं तो ए और बी ने इस टोटल वर्क को कंप्लीट किया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। भाई ए और बी एक दिन में 36 यूनिट वर्क करते हैं, टोटल वर्क 104 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क जो है ना वो 104 दिन में कंप्लीट होता है। तो वो वर्क था कितना, 36 करते हैं एक दिन में, 104 दिन में कितना करेंगे, 3744, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पे बी का तो हमें दे रखा है 1/3 है, बी का वर्क कितना है 1/3, तो ए का कितना होगा, टोटल वर्क हमारा 1 होता है, 1 में से 1/3 माइनस करिए तो 2/3 बच गया। तो आपका ये 3744 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 2496। ये ए के द्वारा किया गया वर्क है। तो आशा करता हूँ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे पार्टनरशिप से, ठीक है, जिसमें आपको शेयर करना था एबीसी में प्रॉफिट जो ईयर के एंड में होता है। तो ये मैंने वैसे करा रखा है, आपको देख लेते हैं कैसे करना है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, जितनी आपको दिख रहा है इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि क्या ये मैंने कर दिया, इतना काट पीट दिया। यहाँ पे था कि ए ने 10,000 लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर 6 महीने बाद सी ने 4,000 रुपये लगाकर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, साल के अंत में 18,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो ए बी सी का प्रॉफिट क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ए ने 10,000 रुपये लगाए पूरे, अगर ए बिजनेस स्टार्ट करता और बीच में छोड़ के भी नहीं जाता तो साल के एंड में 18,000 रुपये मिले, इसका मतलब उसने 12 के 12 महीने अपने 10,000 रुपये लगा के रखे। तो यहाँ पे 10,000 की मल्टीप्लाई 12 में कर लेंगे। फिर बी जो ज्वाइन करता है वो कितने, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ज्वाइन करता है, इसका मतलब उसके 8,000 रुपये कितने महीने के लिए लगे रहेंगे, सिर्फ 8 महीने के लिए। सोच के देखिए, जब वो 4 महीने बाद आएगा तो बाकी के एक साल में कितने महीने बचे हुए हैं, 8 महीने तो बचे हुए ना, तो 8 महीने के लिए उसके 8,000 रुपये 8 महीने के लिए लगेंगे। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सी आता है वो 6 महीने बाद आता है, अगर ये सी 4,000 रुपये लेके 6 महीने बाद आएगा तो इसके पैसे कितने महीने के लिए लगेंगे, केवल 4 महीने के लिए, सॉरी 6 महीने के लिए। तो 6 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनका रेशो बना लेंगे। देखिए रेशो कैसे बनता है, जो जितने महीने के लिए अपने पैसे लगाएगा बिजनेस में उसे उतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा। इसने 10,000 12 महीने के लिए लगाया, इसने 8,000 8 महीने के लिए, इसने 4,000 6 महीने के लिए। तो इसमें रेशो हमें बना लेंगे कि इनका रेशो डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रेशो बनेगा। 3-0 इसमें है, 3-0 इसमें है, 3-0 इसमें है, तो सबकी कट हो जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे कितना आएगा, 10 और 12 करेंगे 120, इनके कितना होगा 64 और इनका कितना होगा 24। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट इनको 4 से भी कट कर सकते थे, बट मैंने गलती से 2 से कर लिया, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले 2 से किया 60, 2 से किया 32 और 2 से किया 12, फिर 2 से करेंगे तो 15, 2 से करेंगे 8 और 2 से कट करेंगे 3। तो अभी किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो सकते, तो ये रेशो बन के आ गया। अब जिसका भी पूछा जाए, ए का पूछा जाए, बी का पूछा जाए, क्वेश्चन में पता नहीं किसका पूछा था, तो यहाँ पे जिसका भी पूछा जाए कि उसे कितना प्रॉफिट मिला, तो इन सभी को प्लस करिए, 18,000 से डिवाइड करिए और जिसका भी पूछे उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का पूछे जाए 8 से मल्टीप्लाई, ए का पूछे जाए 15 से मल्टीप्लाई और सी का पूछे जाए 3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि MRP दे रखा था किसी प्रोडक्ट का आपका 150 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था कि 2 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं उस पर, एक तो 12.5% का और एक दूसरा बताया नहीं गया था। और जो 2 डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस दे रखा था 105 रुपये। देखिए आज अच्छे खासे और बढ़िया मतलब मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालनी थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 105 होता है, तो सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज क्या थी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे। बट लगातार डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब MRP पे आपने 12.5% डिस्काउंट दिया होगा, तो 12.5% निकालेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है डाउट कि यहाँ पे 12.5% ना हो, कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें पॉइंट में ना ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब कुछ होगा, बट अभी जैसा भी क्वेश्चन भेजा था मैं वैसा सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मतलब थोड़ी बहुत भी वैल्यू इधर उधर हो जाती है तो उसमें आपका क्या होता है,
क्वेश्चन पॉइंट मतलब आंसर पॉइंट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में होगा शायद उसमें पॉइंट में ना आया हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे अजीब लगेगा। तो यहाँ पे इसका 150 का हमें क्या निकालना है, 12.5% निकालेंगे, तो ये पूरा सोल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा, 18.75, ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, 150 में पहला डिस्काउंट दे दिया तो ये 18.75 माइनस करेंगे कितना आएगा, 131.25, ठीक है, ये आपका आ गया है पहला डिस्काउंट देने के बाद में। अब हमें दूसरा डिस्काउंट इस पे देना है, 31.25 पे एक दूसरा डिस्काउंट देना है, बट हमें परसेंटेज नहीं पता, हमें यह पता है कि एक दूसरा डिस्काउंट देने के बाद में 105 वैल्यू रुपए हो जाती है, जो सेलिंग प्राइस हो जाती है दूसरा डिस्काउंट देने के बाद में 105 हो जाती है। अगर मैं इस 131.25 में से 105 माइनस कर दूं तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा कि दूसरा डिस्काउंट हमने दिया कितना था, तो 26.25 का हमने दूसरा डिस्काउंट दिया था, ठीक है। अब ये 26.25 का अगर मैं दूसरा डिस्काउंट देता हूं तो ये किस वैल्यू पे दिया है मैंने, इस वैल्यू पे, तो यहां से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे 26.25 अपॉन में 131.25 और गुणा करेंगे 100 से, तो ये आपका 12.5% ही अब दोबारा से निकल के आया है, तो इसका मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा कि 12.5% दूसरा डिस्काउंट दिया गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में था बिल्कुल, तो क्वेश्चन था देखिए थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, मतलब क्वेश्चन तो ईजी है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी लग रही है पॉइंट पॉइंट में, तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 12.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी बना लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक वस्तु पर 10% का लॉस होता है, अगर उसे 85 रुपये बढ़ाकर बेचा जाए तो 60% का प्रॉफिट होता है, तो उसकी लागत क्या होगी। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं एक वस्तु को 10% के लॉस पे बेच रहा हूँ, उस पर 85 रुपये बढ़ाते ही क्या होता है, मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट कब होगा, सबसे पहले तो 10% का लॉस रिकवर होगा ना, जब किसी वस्तु का प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, और उससे पहले उस पर लॉस हो रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो 10% लॉस आएगा मेरे पास, फिर उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तो यानी कि टोटल मिला के 17%, और 17% किसकी वजह से बढ़ा है, ये 85 के बढ़ाते ही बढ़ गया इतना, ठीक है ना, यानी कि हमारा लॉस भी कवर हो गया और हमारा 7% प्रॉफिट भी आ गया, और किसकी वजह से, जो ये 85 रुपये हमने बढ़ा के बेचा है, तो ये 17% की वैल्यू 85 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी थी। तो 85 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 से, क्योंकि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना होगा 500, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि ए को 1 रुपये मिलता है तो बी को, बी और सी को 65 पैसे और 35 पैसे मिलता है, यदि सी का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन क्या होगा, यानी कि एक हिसाब से रेशो दे दिया गया है, ए बी सी का रेशो दे दिया गया है 1 रुपया 65 पैसे और 35 पैसे, इसको रेशो में हमें बदलना है। एक रुपए में आपका कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे 65 पैसे और 35 पैसे, आपने 100, 65 और 35 लिखा, ये रेशो हो गया ए बी सी का, ये कट जाएगा आपका कितना, 5 से 7 बार, 5 से 13 बार और 5 से 20 बार, तो ये आपका किसी कॉमन नंबर से नहीं कट हो सकता है, तो इसका मतलब 20:13 आपका 7 का रेशो बन गया है ए बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी का भाग 840 है, तो C का रेशो कितना है भाई, 7 है, तो 840 को 7 से भाग कर दीजिए और गुणा किससे कर दीजिए, किसका निकालना है हमें, कुल धन निकालना है कि कुल धन कितना था, तो इन सभी को प्लस करिए, तो 7 और 13 कितने हो गए 20, और 20 और 20 40, यानी कि 40 से हम गुणा कर देंगे, यानी कि कुल हमें धन निकालना है, तो 7 रेशो के बराबर 840 है, तो 40 के बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है, तो 840 को 7 से भाग करेंगे 120 आएगा, 120 की 40 में करेंगे तो 4800 आ जाएगा, 4800, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप उसको भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिला है कि 1540 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/4 है, ठीक है, तो बी का भाग कितना होगा, तो आप इस 3/4 से मतलब समझे क्या बोला गया है यहाँ पे, बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/4 है, यानी कि बी का भाग यहाँ पे 3 है और बी और सी का भाग 11 है, ठीक है, ये रेशो दे दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को डीपली पढ़े ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो समझ में आएगा कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है, यानी कि ए और सी का भाग 11 है और बी का आपका 11 है, सॉरी 3 है यार, ठीक है,
तो ए और सी का भाग आपका 11 हो गया और बी का भाग आपका 3 हो गया। यहाँ पे पूछा क्या गया है बी का भाग कितना होगा, यहाँ पे 1540 आपका क्या है टोटल भाग है, ठीक है। तो बी का हमें रेशो पता चल गया, तो हम क्या करेंगे इन सभी को प्लस करेंगे, बी और सी का ए और सी का रेशो आपका 11 है और बी का रेशो आपका 3 है, तो इन सभी को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो 1540 को 14 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बार जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई करके 330, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी का शेयर कितना होगा 330, ठीक है भाई। तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, आज बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, रीजनिंग में आपके दो काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन थे और दोनों ही नहीं पता चले मुझे, ठीक है। अच्छे खासे मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, मैंने एक बच्चे को बोला भी कि आप उसकी फिगर बना के मुझे भेज दीजिए, उसको फिगर भी याद नहीं थी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे बाद में मिलता है तो मैं आपको कल तक करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जीके के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 किसने जीता, रोजर फेडरर ने, क्वेश्चन कहीं बार आ चुका है पहले भी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से एक क्वेश्चन था, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ये क्वेश्चन था आपका। आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे उर्जित पटेल, ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक था आपका गोदावरी गौरव पुरस्कार किसको मिला, अमोल पालेकर को, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। फीफा में फुटबॉल टूर्नामेंट को कब शामिल किया गया था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर पता होगा आपको राइट कमेंट अपने राइट आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन था, गोवर्धन योजना शुरू कहां पर की गई थी हरियाणा में, ये क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल से आपके कई क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था आपका आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि और समूह की संख्या, तो आपके जो पीरियड्स होते हैं अवधि होती है तो वो 7 है और जो समूह है ग्रुप है आपके वो 18 है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। तो देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन मिल पाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मतलब मैंने वैसे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस पूरा कवर करा दिया था आपको, और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट के बहुत कम क्वेश्चन मिल पाए हैं मुझे जीके करंट अफेयर साइंस के। तो जैसे अगर कुछ मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं टॉपिक्स की, दोस्तों अगर टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे सीएम, पीएम, कैपिटल करेंसी, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अगर कोई बताता है चैनल वाला तो ये सब फेक है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं था, आज पूरा दिन ही नहीं था, ठीक है, कोई सी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है ये। और मतलब बहुत ही खास बात है क्योंकि सभी बच्चों ने इस चीज़ें रट ली थी, बट अब एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपका कुछ इस तरीके से था कि मैथ का आपका टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन शाम वाली शिफ्ट में, यानी कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो दो से तीन क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम का भी यही हाल है आपका, दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं ओवरऑल, किसी शिफ्ट में तीन पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में दो तो पूछे ही जाते हैं। बोर्ड मास के आपके 3 से 4 और 4 से 5-6 तक भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपका एक ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे एसआई से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सीआई से आज कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है जैसे बताया गया बच्चों ने, ठीक है। अगर आया होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से भी आपका एक क्वेश्चन था। एलसीएम, एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आज पूरी तीनों शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से और ट्रेन से थर्ड शिफ्ट में किसी बच्चे ने नहीं बताया, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन थे और फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन थे, थर्ड शिफ्ट में अगर आया था तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कोई बच्चा आज पेपर दे के आया और वो देख रहा है। मेंसुरेशन की अगर बात की जाए तो आपकी मेंसुरेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं बताया गया, वैसे हाँ एक क्वेश्चन था और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन थे। स्क्वायर रूट की अगर बात की जाए तो ये भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने को मिला है, ये सब ने रट लिया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ट्रिक मैंने बता दी थी बट वो नहीं पूछा गया। एज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन एक फॉरएवर वाला चैप्टर हो चुका है जिसमें से 6 से 7 नंबर पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है मतलब, और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। हर एक बच्चे का एक ही जवाब आता है कि सर टाइम नहीं मैनेज हुआ था, टाइम में प्रॉब्लम आ रही थी, टाइम कम पड़ रहा था, इस तरीके के जवाब मिलते हैं। तो अगर आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट लगा के जाएंगे पहले से ही तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो एक ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बाकी डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद, तो देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन था, स्लोगन से आपके 2 क्वेश्चन थे, थर्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लॉक से 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन थे मैंने जैसे आपको बताया, सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन, मिरर और वाटर इमेज से आपके 3 क्वेश्चन थे, 2 मैंने आपको बता दिया, 1 क्वेश्चन था आपका कोई मतलब फिगर थी, ठीक है। तो फिगर याद नहीं रही है, फिगर के अंदर कोई फिगर थी और उसमें आपका कुछ डंडा सा ऐसा लगा हुआ था, कुछ एक बच्चे ने बताया ऐसा, तो 1 था आपका इस टाइप का। तो 3 क्वेश्चन थे,
कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन था। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको पसंद आया होगा तो आपने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, ठीक है, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट परचेज करने हैं पहले ही, मतलब अपना अगर आपके पास एग्जाम देने को है अभी 3-4 दिन, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 30 टेस्ट है, इनको अगर लगा के जाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में तो डेफिनेटली होना है आपका, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके अगर प्रिपरेशन हो रखे ना तो वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर आप घर पे पहले से ही। और हाँ, इसमें खास बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इसको मोबाइल में भी दे सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उसी में आप इसको दे सकते हैं। प्राइस इसके 149 है, बट आपको 149 पे नहीं करने हैं, आपको पे करने हैं ओनली 20% डिस्काउंट करने के बाद में 120 रुपीज़, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक मिल जाएगा मेरे हिसाब से, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टेलीग्राम ऑलरेडी यूज करते हैं तो वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, PDF ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी पड़ी है तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का भी एग्जाम होता है वो भी क्वेश्चंस भेज सकता है, कोई क्वेश्चंस पूछना वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और प्लीज़ यार लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।